सत्ता बदली सरकार बदली पर बरगाड़ी बेदवी ते बहवल कलां च बेदोशे सिखां दे कातलां नूं सज़ा दा इंतजार बरकरार है। 2015 दे बहवल कलां पुलिस गोलीबारी दे पीड़तां दे परिवारक मैंबरां ने सिख जथेबंदियां दे नाल मिलके बुधवार नूं बठिंडा अमृतसर नैशनल हाईवे ते जाम लगा के बेदवी ते गोलीबारी दे मामलियां दी जांच च ढिल मठ दे विरोध च रोस प्रदर्शन कीता, पर बाद च सरकार नूं 2 दिनां दा समां दिंदिआं नाकाबंदी हटा दित्ती गई। प्रदर्शनकारियां ने पुलिस गोलीबारी वाली घटना दी थां ते अणमिथे समें लई बेदवी इंसाफ मोर्चा शुरू कर दिता है अते नैशनल हाईवे 54 दे एक पासे टेंट लगा के जाम कर दिता गया। बाद विच NH 54 नूं प्रदर्शनकारियों द्वारा दोवां पासियों तों पूरी तरह दे नाल बंद कर दिता गया, जिस नाल सिर्फ एमरजेंसी वाहनां अते खरीदली मंडियां विच जाण वाले किसानां नूं ही जाण दिता गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने सीनियर वकीलों की अगवाई विच राज सरकार दे वफद नाल गलबात करन तों बाद रात 9 बजे दे करीब NH 54 दी नाकाबंदी नूं हटा दिता अते इन्हां मामलियां नूं तर्कपूर्ण सिट्टे ते पहुंचण लई समां सीमा दे नाल वापस आउण लई 2 दिन दा समां दित्ता है। साडी लीगल टीम नूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी ने अपॉइंट कीता है जी। स्पेसिफिकली उन्होंने सानू तुहाडे सन्मुख होण लई कहा है ते अपनी एक फीलिंग दसण लई कहा है कि जो सोच उन्हां दी सीएम बनण तों पहलां सी उही सोच उन्हां दी हुण सीएम बनण तों बाद है कि बहबल कलां दे विच जो वारदात होई है, बरगाड़ी कांड होया है या बेअदबी वाला मामला है, उहदे विच जिन्ने दोषी ने सारिआं नूं सज़ा मिलनी चाहीदी है ते सरकार उसका पूर जोर समर्थन करती है ते उस नूं सिरे चढ़ाउण लई वचन अथॉरिटीज़ दे नाल असीं इह कन्वे कर दित्ता है वी 3 दिनां दे विच असीं दसणा है वी असीं किन्ने टाइम लई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ। असल विच दो सिख प्रदर्शनकारियां सरावां पिंड दे गुरजीत सिंह अते फरीदकोट जिले दे पिंड नियामी वाला दे कृष्ण भगवान सिंह दी 14 अक्तूबर 2015 नूं हत्या कर दित्ती गई सी जदों ओह बेदवी दी घटना दा विरोध कर रहे सन। सुखराज सिंह पुत्तर कृष्ण भगवान सिंह दा कहना है कि मोर्चा उदों तक जारी रहेगा जदों तक सरकार वल्लों इंसाफ नहीं दित्ता जांदा अते लोक उहनां दी कारवाई तों संतुष्ट नहीं हुंदे। असीं सरकार नूं लिखती तौर ते सब कुछ दे चुके हां पर अजे तक कुछ वी नहीं कीता गया। इन्ना टाइम इंसाफ नहीं दिंदे ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਣੀ ਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਵਲੀ ਜਾਮ ਰਹੂਗਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰਮਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। इस धरने विच पंजाब कांग्रेस दे साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल होए। इस मौके उन्हां नाल साबका कांग्रेसी विधायक हरमिंदर सिंह गिल, साबका विधायक जगदेव सिंह कमालू, हरविंदर सिंह लाडी अते सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला भी हाजिर सन। साबका कांग्रेसी विधायक हरमिंदर सिंह गिल ने कहा कि सानू इंसाफ ना देण दी सज़ा दित्ती गई है, मैं अपनी सीट तों हार गया अते साडी सरकार हार गई है, मैं साडी सरकार द्वारा कीते वादिआं नूं पूरा करन विच असफल रहण लई माफ़ी मंगदा हां। सिद्धू ने आप सरकार नूं बेदबी अते पुलिस गोलीबारी दीआं घटनावां दी तेज़ी नाल सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने लिए कहा है। मैं मांग करता कि हर रोज सुनवाई होवे, एक स्पेशल कचहरी स्पेशल कोर्ट लगे, जदों न्याय की सब तो बड़ी अहमियत होती है उदों फास्ट ट्रैक कोर्ट लाए जाते हैं। जे नीयत साफ है, जे नीयत सुचजी है, तो भगवंत होम मिनिस्टर भी तू है, छोटा भरा है, मैं तेनू बेनती करदा कि ला फास्ट ट्रैक कोर्ट कर लिया ते पार्टियां तो उत्ते उठ के जे नवजोत सिद्धू तेरी जय जयकार ना करे ते नीवें थावे पाई। धरने विच शामिल होए आम आदमी पार्टी दे फरीदकोट तो विधायक गुरदित सिंह सेखों ने कहा कि वह सिख वजो शामिल होए ने, अज असीं सरकार विच आ इसलिए असीं इह नहीं कह सकते कि असीं कुछ नहीं कर सकते, जेकर सरकार इंसाफ नहीं दे सकती तां कोई नहीं दे सकता। मैं इस मुद्दे ते सरकार नाल गलबात करांगा, मैं इस ते पहला भी SSP नाल गल कर चुका, असीं तुहानूं उदों तक मोर्चा चुकन लई नहीं कहांगे जदों तक इंसाफ नहीं मिलदा। पर अज साडी सरकार है, असीं इह नहीं कह सकते कि असीं कर कुछ नहीं सकते। मैं हमेशा यह गल कहना हूं, पिंडां च वी बोलदा रहा, जे रब तो बाद किसे कोल कोई ताकत है तो सरकार कोले हुंदी है। जे किसे नूं सरकार इंसाफ नहीं दे सकती
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਾਣਾ ਵੀਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਮ, ਮੈਂ SSP ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ, ਮੈਂ ਬਹਿਬਲ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।